दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने इस साल बिजली दरों में बढ़ोतरी प्रस्तावित की है। इस पर उत्तर प्रदेश नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों को लेकर आगरा के RBS कॉलेज खंडारी सभागार में जन सुनवाई की गई। विद्युत उपभोक्ता व व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी, किसान नेता तथा उपभोक्ता परिषद द्वारा विद्युत दरों को बढ़ाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई। वहीं व्यापारियों ने आगरा शहर में विद्युत प्रदाता कंपनी टोरेंट पावर की विद्युत संबंधी सर्विस की तारीफ की। वहीं DVNL के बेनारा फीडर व इंडस्ट्रियल एरिया को टोरेंट को देने की मांग उठाई गई। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने इस साल बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा। इस पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आगरा के RBS कॉलेज खंडारी सभागार में विद्युत दरों को लेकर जन सुनवाई की गई, जिसमें विद्युत उपभोक्ता व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, किसान नेता और उपभोक्ता परिषद की सहमति नहीं होने के कारण विद्युत दरों के बढ़ाए जाने के खिलाफ नेशनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष, व्यापारियों समुदाय ने विद्युत प्रदाता कंपनी टोरेंट पावर की सेवा की तारीफ करने की मांग की। इसके साथ ही DVNL के बेनारा फीडर और इंडस्ट्रियल एरिया को टोरेंट पावर को सौंपने की भी मांग उठाई, जिसमें उत्तर प्रदेश नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने आयोग द्वारा की जा रही समीक्षा की जानकारी दी कि ये जो प्रक्रिया है, जो टैरिफ हियरिंग जिसके लिए आज बेसिकली ये बैठक रखी गई थी, इसमें दो तीन जो शब्द है वो आपको समझने की आवश्यकता है। एक चूअप है जो 22-23 काम कर रहे हैं, एक 23-24 में जो आयोग ने निर्देश दिए थे उसका परफॉर्मेंस क्या है, कितने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है, पावर परचेज कितनी उन्होंने करी है, खर्चा कितना आया है, उसका एक परफॉर्मेंस रिव्यू होता है जो आपके सामने जो आपने रखे गए वो उसी प्रोसेस के अधीन रखे गए। जो तीसरा इम्पोर्टेंट बिंदु है वो है 24-25 के लिए दरों के बारे में। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें आयोग के समक्ष वितरण कंपनियां अपना एक एक्सपेंडिचर रखती है कि हमारे अगले साल इतने कंज्यूमर बढ़ेंगे, इतनी हमारी सप्लाई में खर्चा बढ़ेगा, इतनी हमारी ऑपरेशन मेंटेनेंस में बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से अगर टैरिफ की दरें यही रही तो हमारी कितनी आमदनी होगी, उसमें गैप है या उसमें सरप्लस निकल रहा है, ये देखने के बाद में आयोग तय करता है कि दरें बढ़ाने की गुंजाइश है या नहीं है या दरें कम होनी चाहिए। के पालीवाल ने कहा कि चोरी रोके जाए जिसका भार आम उपभोक्ताओं पर ना पड़े। जहां बिजली पहले से है वहां डेवलपमेंटल चार्ज उपभोक्ताओं से नहीं लेना चाहिए, उनको इनिशिएटिव दिया जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो और अच्छी अपने खाद कर सके। और इसके साथ ही जो लीकेज है और जहाँ संभावना है कि जितना हम अपने ट्रांसफॉर्मर से बिजली दे रहे हैं उसके मुकाबले आपको प्राप्ति कम हो रही है, तो वो ढूंढने का प्रयास करें कि ऐसे क्या रीजन्स हैं और क्यों चोरी हो रही है। जहाँ जहाँ अभी तक अंडरलाइन लाइन्स नहीं पड़ी है वहाँ पर कोशिश की जाए कि वो अंडरलाइन डाली जाए, जिससे कि जो कचिया डाल करके बिजली लोगों को चुराने की टेंडेंसी है और जो एरियाज हैं उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार से जो गैप है अगर आप कोशिश करेंगे तो वो गैप बढ़ जाएगा और आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप टैरिफ का कोई इंक्रीमेंट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कंज्यूमर जब नए उनके लिए अप्लाई करते हैं, जब ऑलरेडी आपकी लाइन खींची हुई है या ऑलरेडी आपका वर्क है, वहाँ डेवलपमेंट चार्ज लेना नहीं। वहीं पूरन डाबर ने कहा कि कनेक्शन लेने व PDC करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसे सरल किया जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया टोरेंट पावर के पास होना चाहिए तथा लाइन लॉस कम होने पर रेट भी कम होने चाहिए। एक सर उससे भी बहुत जरूरी है कि DVNL जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया से पूरी तरह से असमर्थ है अनइंटरप्टेड पावर देने में। ये अनइंटरप्टेड पावर कितने सारे प्रयास हो गए, पिछले 10 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार ये आश्वासन दिया जाता है कि उसके लिए एक स्पेशल फीडर होगा इंडस्ट्रीज के लिए और आपको पावर दी जाएगी, लेकिन 10-12-15 साल के प्रयास के बावजूद भी ये नहीं हो पा रहा है कि इंडस्ट्रियल पावर जो है हम लोग पैसा खर्च करने को तैयार है ये प्रॉब्लम के पास ही लेनी चाहिए ताकि अनइंटरप्टेड पावर मिल सके, क्योंकि एक एक घंटे में 4-4 बार कई बार ट्रिपिंग होती है, तो उससे कम हम लोग एक्सपोर्ट में है
तो एक्सपोर्ट में तो कम से कम हम लोगों को बहुत नीचा देखना पड़ता है कि बाहर बैठा हुआ है, उसके बीच में चार बार बिजली वाली चली गई और चार बार बिजली आई, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली की दरों में कमी होनी चाहिए तथा 24 घंटे बिजली मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में नियामक आयोग गंभीरता से विचार करे, बिना नोटिस के लोड बढ़ा दिया जाता है जो कि बहुत गलत है। नए नियम उत्तर प्रदेश लागू पूरे देश में, इसलिए हमें 24 घंटा बिजली हमारे गांव की जनता को मिलना चाहिए। जो हमारे गांव की जनता को 18 घंटे बिजली देते हैं, 12 घंटे बिजली मिलती है, 6 घंटे आपकी कटौती में चली जाती है। तो मैं बात करूंगा कि नियामक आयोग इस पर गंभीरता से विचार करे। महोदय मैं आना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि हमारी जो 23-24 में जो इनकी एडीआर है, महोदय मैं इनकी एडीआर पे आना चाहूंगा टैरिफ पर। इन्होंने कहा कि जो हमारा ओवरऑल एडीआर है 6 रुपया 2 पैसा है, लेकिन अगर महोदय उसमें आप देखिए, अगर आप सब्सिडी की बात कर लीजिए तो लगभग 1 रुपया 22 पैसा जो उसमें जुड़ता है वो सब्सिडी वाला एडीआर है 1 रुपया 22 पैसा, तब जाके इनका 7 रुपया 38 पैसा होता है। इसके मतलब इनका जो एडीआर है वो बहुत कम है, उस एडीआर पर इनको काम करना चाहिए। इन्होंने सितंबर महीने में 464 मेगावाट की तो उपभोक्ताओं का लोड बढ़ा दिया और मार्च में 792 मेगावाट उपभोक्ताओं का लोड बढ़ा दिया बिना नोटिस के। यही धरती है आगरा की धरती है, यहाँ बिना नोटिस के लोड बढ़ा दिया था। नियामक आयोग ने इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाई थी, मैं खुद उस कमेटी में मेंबर होकर आया था और यहाँ के एमडी को 1 लाख पेनाल्टी लगी। वहीं टीएन अग्रवाल ने कहा, लोड पर एक्स्ट्रा चार्ज जो भी लगाते हैं यह नहीं लगाना चाहिए, विद्युत दर कम रखा जाना चाहिए और एनओसी को जटिल किया जाना चाहिए। आपने ज्यादा रेट लगा रखी है, यदि आपने टैरिफ रेट बढ़ाई तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कंपटीशन ही हो गया। देश जितना परसेंट आप टैरिफ रेट बढ़ाएंगे उतना परसेंट इस देश में या प्रदेश में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बिजली के बिना उत्पादन नहीं है, बिजली के बिना कोई काम नहीं है, बिजली के बिना वॉशिंग मशीन नहीं है, बिजली के बिना कुछ नहीं है। बढ़ाने से पहले तय करना कि आपको महंगाई बढ़ानी है तभी टैरिफ बढ़ाना, इसलिए इस पर पुनः विचार करके गंभीरता पूर्वक विचार करना। धन्यवाद। रविंद्र अग्रवाल ने टोरेंट पावर की कार्यप्रणाली व DVNL की कार्यप्रणाली में अंतर बताया कि टोरेंट पावर में उपभोक्ताओं के काम जल्दी होते हैं जबकि DVNL के कार्य में अधिक समय लगता है। जगह खरीदकर काम करते हैं, ये व्यवस्था बदल चुकी है, आगरा में मानसिकता बदली है। पहले बिजली चोरी की मिलती थी, माँ भागता था किसी वाला, माँ की रेट ज्यादा थी, अब बिजली टोरेंट की मिलती है तो माँ भागता की नहीं, 24 घंटे लाइट मिलेगी, मेरा वर्कर काम करेगा। प्रोडक्शन आगरा में बढ़ा है, यहाँ पे टोरेंट है और लोकल फंड ना के बराबर है। और जो दूसरी बात ये है, कनेक्शन लेने में 3 दिन में कनेक्शन मिल जाता है, टीवी में तो नहीं मिलता है। वहां पे पहले व्यवस्थाएं मांगी जाती है, सुविधाएं मांगी जाती है, उसमें आप हर महीने मीटिंग टॉयलेट कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते मीटिंग? करने व्यापारियों से मीटिंग करिए, आप हर महीने क्या कमी है, क्या चाहिए आपको, कौन दिक्कत आ रही है। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।